सो गाइस, आज हम आ गए हमारे नए ट्रेनिंग सेशन की तरफ। तो आई विल शो यू द सैलून। सो गाइस, हमारी मॉडल के हेयर आप देख सकते हो, इट्स ऑलरेडी केमिकली प्रोसेस हेयर है। बहुत सारी हाइलाइट्स दिखाई दे रही है, राइट? और इनको हम अच्छे से फंकी कलर करने वाले हैं। बट इनके बारे में, इनके हेयर के बारे में थोड़ा सा और मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने कुछ समय पहले हाइलाइट्स रेड की भी की थी, उन्होंने हाइड कर दी है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले शैम्पू वॉश लेंगे। शैम्पू वॉश करने के बाद हम हमारा कलर एप्लीकेशन शुरू करेंगे। इससे क्या होगा, शैम्पू से आपके हेयर जो है क्यूटिकल्स ओपन कर देगा। सो नाउ विल स्टार्ट विद द सेक्शनिंग पैटर्न। तो सेक्शनिंग पैटर्न आप देख सकते हो, वी हैव टेकन हॉर्सेस सेक्शन एंड एडजेसेंट सेक्शन एंड नेप एरिया नॉर्मली छोड़ दिया। तो वी विल स्टार्ट द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे जैसे आप एप्लीकेशन करते जाओगे गाइस, आप विजुअल चेक भी करते रहना है। जैसे ही आपको अंडरकोट मिल जाता है तो यू टोल्ड स्टॉप ओवर देयर एंड डायरेक्टली वॉश के लिए लेके जाओगे। तो यहाँ पर आपने, जैसे कि मैंने बताया था कि इनके हेयर में ऑलरेडी रेड अंडरकोट था, तो रोज़ गोल्ड अंडरकोट दिखाई दे रहा है। तो आप, ये रोज़ गोल्ड अंडरकोट दिखेगा अगर आपने, क्लाइंट ने रेड कलर किया है। तो हम यहाँ पर हेयर ड्राई कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आप देख सकते हो अंडरकोट्स जो डिफरेंट डिफरेंट दिखाई दे रहे थे, जो रेड अंडरकोट्स या रोज़ गोल्ड अंडरकोट जैसे हम कहते हैं। तो अगर आपको रोज़ गोल्ड अंडरकोट भी मिल जाता है तो यू कैन डू विद द फंकी कलर एप्लीकेशन। तो फंकी कलर रिजल्ट आपको ईजिली मिल जाएगा। सो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं हमारे फंकी कलर एप्लीकेशन से। तो यहाँ पर आप देखोगे देर आर 3D इफेक्ट। मैं देने के लिए 3D कलर्स यूज़ कर रहा हूँ। देर आर 3 शेड्स, वायलेट, पिंक एंड ब्लू कलर। तो ये तीनों कलर एप्लीकेशन करने वाले हैं। और इसका जो एप्लीकेशन मेथड रहेगा वो बहुत ही नीट एंड क्लीन रखना है आपको। अच्छे से ईच एंड एवरी हेयर स्ट्रैंड पर कलर अप्लाई करना है, एक भी ब्लॉन्ड हेयर नहीं रहे। आप देख सकते हो आप हमारा फाइनल रिजल्ट। सो आई होप आपको रिजल्ट पसंद आया होगा।